स्वागत है आपका यस न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान। मैं डिस्ट्रिक्ट ऑटो रिक्शा यूनियन प्रेसिडेंट मोहम्मद गुलाब भंडारी बात कर रहा हूँ। परसों के दिन हमें दो दिन पहले आरटीओ ऑफिस में एक मेमोरेंडम दिए थे और डीसी को पहले दे गए, बाद में आरटीओ ऑफिस में प्रतिभटना करे थे हमें। उसका इम्पैक्ट आज क्या है, वो रेडियम का हमारे कैंसिल हुआ है। एक्चुअली वो रेडियम का था ही नहीं उसमें, हमको सर्कुलर नहीं दिया था आरटीओ ने। सर्कुलर अब मिलने के बाद में उसमें M1 M2 जो है वो हमारे ऑटो को कैपेबल होता ही नहीं है। और 3 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ था कि ऑटो रिक्शा एक 30 किलोमीटर के अंदर घूमती है, वो हिसाब से क्या है, ऑटो रिक्शा को रेडियम की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर किए। लेकिन आरटीओ ने हमको अंधेरे में रखा, जो बीजापुर आरटीओ है उसने अंधेरे में रखा। हमने बार बार सर्कुलर की मांग की लेकिन सर्कुलर नहीं दिए उन्होंने। तो बाद में क्या है, हमने उधर प्रतिभटना की है। प्रतिभटना करने के बाद क्या है, 2 दिन बाद में मेरे को उन्होंने बुला के सर्कुलर दिया है क्या। तो ये मीडियम वाले का, हमारे माध्यम वालों का, जो न्यूज़ चैनल वालों जो हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी मेहनत और हमें जो किए प्रतिभटना, उसका फल जो है आज हमको मिला है। ऑटो वालों को खुशखबरी है कि कल से ऑटो रिक्शा के लिए रेडियम जो है लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले जैसा चल रहा था आरटीओ ऑफिस में पासिंग के लिए, उस तरीके से ऑटो जो है आरटीओ पासिंग करके देगा। लेकिन हमारा एक कहना है कि जो ये 10 दिन जो इन्होंने ऑटो वालों को जो तकलीफ़ दी और जो पैसे रेडियम के गए ऑटो वालों के, 800 रुपये, किसी से 800 रुपये, किसी से 900 रुपये, किसी से 700 रुपये, किसी से 660 रुपये ऐसा, और किसी से 450 ऐसा पैसे उठाए, इसके ज़िम्मेदार कौन साहब, कैपेबल पोस्ट पे बैठे सो वाला, वो सब देख के दिखाते हुए ये सब जो है ऑर्डर करना चाहिए। अपने कलीग लोगों को ऑर्डर जो करना चाहिए आरटीओ ऑफिस में ही, ऐसा बड़े बड़े लोग ही ऐसा करने लगे तो गरीबों को, हमारे ऑटो वाले पहले पढ़े लिखे नहीं है, इनको कुछ मालूम नहीं है। और सर्कुलर की मांग करने के बावजूद, बार बार सर्कुलर की मांग करने के बावजूद हमारे ऑटो वालों को इतना तकलीफ दिए उन्होंने। अभी इसके बारे में क्या है, प्रशासन जो है या फिर हमारे सरकार जो है, इसके बारे में कुछ एक्शन लेना करके मेरी डिमांड है सर, कुछ एक्शन लेना। और भी बहुत से बातें हैं आरटीओ के बारे में, इसको मैं नेक्स्ट इसमें प्रतिभटना करके ही बताता हूँ। यही मैं पूछ रहा हूँ ना, अभी हमारे लोगों को तो मालूम नहीं है। अभी जो कैपेबल पोस्ट पर बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट आरटीओ जो है वो अपने कुलीग लोगों को जो आदेश देता है या फिर सर्कुलर निकालता है या फिर उनको ऑर्डर करता है कि भाई ये हिसाब से आपने काम करना चाहिए, तो ये भी देख के करना चाहिए ना। उन्होंने एक बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए शख्स की तरफ से ये ऐसी गलतियां होना मुनासिब नहीं है। देख के अपनी जवाबदारी जिम्मेदारी समझ के उन्होंने काम करना चाहिए ना। और भी बहुत सी बातें हैं, उसको नेक्स्ट इंशाल्लाह प्रतिभटना करके ही मैं बोलूँगा। अभी देखो, ये अभी हमने तो यहाँ पर प्रतिभटना किए माध्यम के जरिए, उनको मालूम भी पड़ता है लेकिन वो लोग देखते नहीं है इसको। जो बड़े अधिकारी जो हैं, इनके ऊपर जो अधिकारी है, जैसा कि जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है या फिर एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है या फिर इनके ऊपर जो है, अभी हमारे बेलगाम वाले कमिश्नर, बाद में धारवाड़ में एक कमिश्नर बैठते हैं, बाद में उनके ऊपर वहाँ पर बेंगलुरु में बड़े कमिश्नर हैं, वो कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या। तो ये लोग अपने कुलीग लोग जो काम कर रहे हैं इसके ऊपर ख्याल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद जब इनकी इतनी डेरिंग होती है कि ज़बरदस्ती ऑटो वालों से या फिर व्हीकल वालों से पैसे जो लूट रहे हैं, इसके बारे में जो है तनिका, उच्चतम तनिका होना चाहिए, तनिका करना चाहिए, इसके बारे में छानबीन करनी चाहिए और जो भ्रष्ट अधिकारी है इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए इसके बारे में। आप लोग सोचिए खुद, जब ये रेड मारने के बाद में भी ऐसा ही सिस्टम चल रहा है तो इसके बारे में सोचने वाली बात है ना। अभी कॉमन आदमी क्या अपने काम धंधे में लग के अपने घर गृहस्थी में बिजी रहता है, वो अपनी परेशानियों में बिजी रहता है, उसमें कहाँ किसके पास इतना टाइम है। तो अभी जो आप कह रहे हैं कि वो रेडियम का कैंसर है, कोई सर्कुलर दिया है क्या आपने आरटीओ ने? आरटीओ ने अभी वो उनके पास जो था वो हिसाब से उन्होंने अपनी गलती मान के ये किया है। अभी कल से जो है ऑटो रिक्शा को लिए
डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972955999 और 8050828793। नहीं नहीं हम गए थे खुद वहाँ पर, हम गए थे उनको सर्कुलर पूछने के लिए गए थे, लेकिन कल से मैं ऑटो रिक्शा को क्या है ये करता हूँ करके बोले हूँ। अभी तक का जो लोगों से पैसा लिया गया उसका जिम्मेदार कौन है? अभी ये आप लोग सोचिए खुद, मैं तो अभी इसमें तो आरटीओ मांगने के बाद में ही इन लोगों ने पैसे दिए हैं। आरटीओ मांगने के बाद ही लोगों ने रेडियम लगाया है, किसी ने 1000 रुपये दिए, किसी ने 800 रुपये दिए, किसी ने 660 रुपये में रेडियम लगाया, किसी ने 450 में लगाया, किसी ने 500 रुपये में रेडियम लगाया है। क्या अभी ये 5-6 दिनों में जो भी हुआ है उसके जिम्मेदार तो खुद यही लोग हैं ना, अभी कोई खुद होके तो कौन जाता नहीं है। तो अभी ऑटो को रेडियम लगाना चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं, रेडियम बंद करना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 30 किलोमीटर के अंदर, 30 किलोमीटर के अंदर हमारी गाड़ी फिरती है। वैसा तो बीजापुर में 16 किलोमीटर, अराउंड 16 किलोमीटर बीजापुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन प्रमाइसेस और इसको छोड़ के 16 किलोमीटर परमिट का ये है प्रावधान है। परमिट का रूल जो कहता है वो 16 किलोमीटर अभी भी इन्होंने ये चेंज नहीं किया है, फेयर का चेंज नहीं किया है, अभी भी 25 रुपये लगा रहे हैं। अभी कितना हो गया है देखो, ये 20-22 साल से ऐसे ही चल रहा है। तो अभी आप क्या बीजापुर के जो जितने भी ऑटो वाले उनसे क्या अपील करते हैं, क्या कहते हैं? मैं बीजापुर के ऑटो वालों से अपील करता हूँ कि वो लोग अभी ऑटो रिक्शा को रेडियम मत लगाए, जो पहले से जैसा चल रहा था 120 रुपये का जो रेडियम लग रहा था ऑटो को उसके ऊपर ही संतुष्ट हो जाए। क्या अभी ये जो ज़्यादा पैसे जो ले रहे थे कल से मैं बंद करता हूँ करके आरटीओ ने वादा किया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो पूछे सर्टिफिकेट लगाओ तो आप क्या? नहीं तो अभी इनका तो क्रिमिनल अफेयर्स होता है ना, डायरेक्ट लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं ना। फिर अभी अगर फिर से चालू कर रहे हैं तो लूटने का काम कर रहे हैं ये लोग। तो अभी आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या, आपके पास की ऑर्डर कॉपी है सुप्रीम कोर्ट के? जो सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर कॉपी मैंने मंगाया हूँ हमारे स्टेट प्रेसिडेंट से मैंने मंगाया हूँ, वो कल परसों में आ जाएगी, मैं आपको दे दूंगा। जो अब इसके बाद में जो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो उनके पास आदेश पत्र आया है कि इन्होंने कल से हमारी जो प्रतिभटना को प्रतिसाद दे के कैंसिल किया है, लेकिन ये जो 5-6 दिन का जो इन्होंने लोगों को परेशानी की है इसके लिए तो इन्होंने पनिशेबल अफेंस है ये, इनको इसके बारे में तनख्वाह उच्चतम तनख्वाह होनी चाहिए। और ये क्या है, इनके ऊपर के जो अधिकारी लोग हैं उसके बारे में तनख्वाह करना चाहिए। आपके माध्यम से मैं ये बता रहा हूँ कि इनके जो जो ये चल रहे हैं अभी ये पब्लिक को जो लूटने का काम चल रहा है ये बंद होना चाहिए। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.